सबसे पहले लॉजिक, स्ट्रिंग एंड होती है स्लैश जीरो से, जिससे हम कहते हैं नल कैरेक्टर। तो अगर हमें लेंथ निकालनी है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे स्ट्रिंग में स्लैश जीरो कहाँ है। एरे का इंडेक्स जीरो से शुरू होता है, इसका से लास्ट कैरेक्टर होगा लेंथ माइनस वन पे, और जहाँ स्लैश जीरो होगा वो हमारी लेंथ की पोजीशन होगी। अब पॉइंटर की मदद से हम लेंथ निकालेंगे, जिसके लिए हम स्टोर करेंगे बेस या स्टार्टिंग एड्रेस को। इसके बाद हम एक ऑफसेट वेरिएबल देंगे, ऑफसेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द बेस वैल्यू, और हम चेक करेंगे कि कैरेक्टर स्लैश जीरो है या नहीं। अब मैथड फर्स्ट है फिक्स्ड बेस और वेरिंग ऑफसेट, यानी हम बेस को फिक्स रखें और ऑफसेट को वेरी करें, या फिर बेस को वेरी करें और ऑफसेट फिक्स रखें। आप लोगों के लिए जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो पहले मैं व्हाइल लूप के थ्रू डिजाइन करूंगा, और फिर उसी प्रोग्राम को मैं आपको डिजाइन करना सिखाऊंगा फॉर लूप की मदद से, जो कि हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो कोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट होगी कोई भी सी कंपाइलर या आईडी, जैसे कोड डॉक्स या टर्बो सी। मैं यहाँ यूज करूंगा कोड डॉक्स का। मेरे आप कुछ वीडियोज देख सकते हैं कोड डॉक्स पे बेस्ड हैं, और साथ साथ टर्बो सी और कोड डॉक्स में क्या डिफरेंस है वो वीडियो भी आप पे देख ही सकते हैं। अब कोडिंग शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने कोड ब्लॉक्स आप लोगों के लिए ओपन किया हुआ है। पहले मैं आप लोगों के लिए मैथड फर्स्ट कवर कर रहा हूँ, तो मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी सबसे पहले। और एक वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग, यहां पर हम डायरेक्टली भी साइज दे सकते हैं, लेकिन मैं एक मैक्रो डिफाइन कर रहा हूं साइज 10। आप इसे बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अब हम यूजर से कह रहे हैं स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए, गेट इस फंक्शन की मदद से हम स्ट्रिंग इनपुट कर लेते हैं। अब हमें एक पॉइंटर चाहिए, तो हम लिखा कैरेक्टर एस्ट्रिक्स पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ एसटीआर जीरो। स्ट्रिंग का इंडेक्स क्योंकि जीरो से शुरू होता है, तो जीरो इंडेक्स बेस एड्रेस कहलाएगा। अब हमें एक और वेरिएबल चाहिए आई, इस पर हम स्टोर करेंगे साइज को या लेंथ को। अब स्टेप थ्री, जिस पर हम लूप परफॉर्म करेंगे और हम फाइंड करेंगे लोकेशन स्लैश जीरो की। तो हमने यहाँ पे एक वाइल लूप परफॉर्म किया और यहाँ लिखा हमने p प्लस आई। अब p था बेस एड्रेस और i था ऑफसेट। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि पॉइंटर्स में एस्ट्रिक्स अगर हम लगा दें तो कहलाता है इनडायरेक्शन ऑपरेशन, यानी वैल्यूएट ऑपरेशन। तो उस लोकेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमें चेक करना है कि वो स्लैश जीरो है या नहीं। अगर वो स्लैश जीरो नहीं है तो उस केस में हमें आई को प्लस प्लस करना है। तो हम ऑफसेट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमने कहीं भी पी को चेंज नहीं किया। जब लूप कंप्लीट हुआ तो हम प्रिंट करवाएंगे लेंथ। तो स्ट्रिंग हमने इनपुट की थी एसटीआर, जिसकी लेंथ आई में स्टोर्ड है। प्रोग्राम तैयार हो चुका है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इसे सेव किया है स्ट्रिंग लेंथ यूजिंग पॉइंटर वन नाम से। इसे कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइलेशन के बाद से रन कर लेते हैं। हमसे स्ट्रिंग पूछा गया, तो स्ट्रिंग हमने कहा हेलो, तो प्रिंट हो रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हेलो इक्वल टू 5। कुछ और स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, जैसे नमस्ते, तो लेंथ इज 7। अब ये था मेथड फर्स्ट। हम सीखना चाहेंगे मेथड सेकंड, जिसमें हम वेरी करेंगे बेस को और ऑफसेट रखेंगे फिक्स्ड। तो यहां पे हमें चेंज करना होगा, सिंपली हम लिख देंगे स्टार पी, यानी पी की जो एड्रेस है उसकी वैल्यू। अब यहां पे हम पी को भी प्लस प्लस कर देंगे, p इक्वल टू p प्लस 1।
तो यहाँ पे मैं पॉइंटर में एक ही ऑफसेट बढ़ा रहा हूँ, बाकी ये जो लूप आप देख रहे हैं ये कैलकुलेट करेगा लेंथ को कि हमारे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, उसमें कितने लेटर्स हैं। बाकी प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम बार बार पी को इंक्रीज कर रहे हैं जिस कारण से ये वेराइंग बेस बन गया। अब प्रोग्राम तैयार हो गया, इसे फिर से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। और हमने कहा हेलो, तो फिर से स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है 5। अब हम समझेंगे हाउ इट वर्क्स। तो पहले हमने एक स्ट्रिंग ली जिसकी हमने साइज रखी 10 और स्टोर किया हेलो। जैसा आप देख सकते हैं स्ट्रिंग के लास्ट लेटर पे इसलिए 0 है और इंडेक्स 5 है, लेकिन जो अंतिम लेटर वहाँ पे इंडेक्स 4 है। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 5 है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैंडमली कुछ भी एड्रेसेस मिल सकती हैं। यहाँ मैं एड्रेसेस 100 से मान रहा हूँ। करेक्टर क्योंकि यहाँ पे 1 byte कंज्यूम कर रहा है तो इनमें डिफरेंस 1 byte का है। हमने एक पॉइंट बनाया जिसमें स्टोर कर दिया हमने स्टार्टिंग या बेस एड्रेस, तो पॉइंटर पी इसे पॉइंट कर रहा है। अब आप देख सकते हैं मैं एक वेरिएबल लिया था पी, तो पी फिक्स्ड रहा 100 पे। ऑफसेट आई को हमने 0 से लेके 5 तक ट्रेवल करवाया और हर बार हम फाइंड कर रहे थे पी प्लस आई की वैल्यू जिसके हमने इंडरेक्शन यूज़ किया। तो पहले हमें मिला एच, फिर हमें ऑफसेट 1 पे मिला ई, फिर LL0 या /0 आप जो भी कहना चाहें। हमने हर लेटर से पूछा कि वो /0 है या नहीं, तो यहाँ तक कंडीशन ट्रू थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जब जब कंडीशन ट्रू थी तो आई इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप स्टॉप हो गया। तो जहाँ पे हम रुके वहाँ पे लेंथ 5 आ गई। मैथड सेकेंड में हमने बेस एड्रेस रखी पी में और बेस एड्रेस पे हमने फाइंड किया वैल्यू एस्ट्रिक्स पी इन डायरेक्शन लिख के। तो पहले हमें मिला एच, एच नॉट इक्वल टू 0, तो पी बढ़ के हो गया 101। नेक्स्ट टाइम पी 101 है तो 101 का लेटर है ई, हमें ई मिल गया। इसी तरह से 102, 103, 104, 105, तो हर बार पी या बेस एड्रेस वेरी कर रहा है। हमें डिफरेंट एड्रेसेस पे डिफरेंट लेटर्स मिल गए, लेकिन जैसे हम 105 पे पहुंचे तो हमें मिल गया /0। लूप वहाँ रुक गया और आई बढ़ के हो चुका था 5 और हमने लेंथ प्रिंट करवा दी। अब हम इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हम फॉर लूप यूज़ करें। इसे मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए सेव कर देता हूँ। थर्ड नाम से मेथड फर्स्ट फिक्स्ड बेस वेरिंग ऑफसेट्स यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को हटा देते हैं और सिंपली लिखेंगे फॉर स्टार पी प्लस आई नॉट इक्वल टू /0 और आई प्लस प्लस। और हमने क्योंकि यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दिए तो इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो पहला हिस्सा है वो इनिशियल वैल्यू के लिए। यहाँ अगर हम चाहते तो आई को यहाँ 0 ना करके आई को यहाँ भी 0 कर सकते थे। तो अभी क्योंकि हमने आई को यहाँ पे ऑलरेडी 0 किया हुआ है तो यहाँ फिर से इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है इस कारण से इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हटाया जा सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देते हैं जो कहलाता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो जो ऑपरेशन पहले हम 4 लाइनों से परफॉर्म करे थे अब वही 1 लाइन से परफॉर्म हो गया। अब इसे फिर से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। हमने कहा नमस्ते, तो प्रिंट हो रहा है लेंथ है 7। अब इसी को मैं फिर से सेव कर लेता हूँ 4 नाम से, और यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे मैथड सेकेंड वेराइंग बेस फिक्स्ड ऑफसेट यूजिंग फॉर लूप। तो अब हमें यहाँ पे आई नहीं लिखना है, सिंपली एस्ट्रिक्स पी। अब हमारे फॉर लूप में मल्टीपल काउंटर्स भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी इक्वल टू पी प्लस 1। बस आपको ध्यान रखना है कि बीच में कॉमा आएगा, क्योंकि मल्टीपल काउंटर्स के बीच में कॉमा आता है। या आप चाहें तो यहाँ पे सिंपली पी प्लस भी लिख सकते थे। तो इनिशियल वैल्यू एम्प्टी है, कंडीशन हमने दी हुई है, काउंटर में 2 दिए हुए हैं। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। फिर हमसे स्ट्रिंग पूछा गया, हमने कहा हेलो, तो स्ट्रिंग की लेंथ हमें मिल गई 5। अब हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि हमारी जो एड्रेस थी वो चेंज हो रही है। तो प्रिंट एफ यहाँ पे लिख देते हैं बेस एड्रेस, परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल को, और यहाँ पर लिख दिया पी, और फिर से हम इसे प्रिंट कर देते हैं लूप के बाद आफ्टर लूप एंड्स, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि बेस एड्रेस चेंज हो गई। कंपाइल कर लेते हैं
रन कर देते हैं। हमने स्ट्रिंग कहा हेलो, तो पहले बिट बेस एड्रेस में लास्ट में था डबल ई, जबकि अब यहाँ पे है एफ थ्री। अब यहीं पे अगर हम वापस फर्स्ट मेथड को कर दें और यहां से काउंटर हटा दें और फिर से अगर चेक कर तो आप देखेंगे कि जो बेस एड्रेस स्टार्टिंग में थी वही बेस एड्रेस लास्ट में भी यूज हुई, जो ये प्रूव करता है कि यहाँ पे आपने एड्रेस को अफेक्ट नहीं किया। दोस्तों आप सभी का शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।